लॉजिस्टिक नीति में बड़ा बदलाव। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा। हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे। नई नीति से किसे होगा फायदा। इन सारे विषयों का समाधान आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को दो बड़ी सौगात दी। सबसे पहली, भारत में 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई। वहीं दूसरी और सबसे अहम, नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ, जो कारोबार के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। ये नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति क्या है और इससे क्या फायदा होगा, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर क्या कहा, वह सुनिए। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे, उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए और इस क्षेत्र में काम करने वाली सरकार की अलग अलग इकाइयों में के बीच में भी एक समन्वय स्थापित होगा, होलिस्टिक अप्रोच रहेगा और उसका परिणाम हम जो गति चाहते हैं उस गति को मिलेगा। और देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन आज प्रातः चीता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ही जी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए। पीएम मोदी ने नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की तुलना चीते से की, यानी इस नीति के आने से कारोबार के क्षेत्र में तेज गति से काम होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है क्या। यह जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है माल ढुलाई। आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो इसे ऐसे समझिए कि भारत में दूर दराज गांव कस्बों में हर जगह जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं होती। खाने पीने से लेकर डीजल, पेट्रोल, बड़े से लेकर छोटे सामान तक के लिए व्यापारियों को अपना माल, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, जरूरी ईंधन और तमाम तरह की चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जानी पड़ती है। कभी ये दूरी कम होती है तो कभी ये दूरी काफी लंबी होती है। इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम करता है जो चीजों को तय समय पर तय जगह पर पहुंचाता है। इसे ही माल ढुलाई कहते हैं। बड़े पैमाने पर बात करें तो लोगों की जरूरतों के सामान को विदेश से लाना
उसे अपने पास स्टोर करना और फिर जहां जिस चीज की जरूरत है उसे वहां तक पहुंचाना शामिल है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा खर्च ईंधन का होता है। इसके अलावा सड़कों से माल ले जाने में दूरी और तय जगह तक पहुंचने में देरी, टोल टैक्स और रोड टैक्स जैसी कई चीजें इसका कारण है। लेकिन ये विकसित देशों में लॉजिस्टिक की सरल पद्धति के कारण आसान है और कम खर्चीला है, जिसे अब भारत में भी लागू किया जाएगा। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी के आ जाने से अब माल ढुलाई का काम सिर्फ सड़कों के जरिए नहीं बल्कि रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट से होगा, जिससे माल परिवहन पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। देश में जीडीपी के 14% के बराबर लॉजिस्टिक पर खर्च होता है। लॉजिस्टिक खर्च को जीडीपी के 10% के बराबर करने का लक्ष्य है। नई नीति से लॉजिस्टिक खर्च घटने से देश के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। नई लॉजिस्टिक नीति के तहत एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट या सिंगल विंडो पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल की मदद से कंपनियों को एंड टू एंड समाधान मिलेगा। पोर्टल सभी को आपस में जोड़ने के लिए सिंगल विंडो मार्केटप्लेस के तौर पर काम करेगा। यानी नई लॉजिस्टिक नीति से न सिर्फ ईंधन, समय और पैसों की बचत होगी बल्कि सड़कों पर भी ट्रैफिक कम हो जाएगा। साथ ही नई नीति से भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करें।